नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मटर का उत्पादन बढ़ा, दाम 150 रुपए किलो, अच्छे दाम मिलने से किसानों के खिले चेहरे। शिमला जिले में इस साल मटर के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी की ढली सब्जी मंडी में 3 वर्षों के मुकाबले इस साल अभी तक 40% मटर की फसल ढली मंडी में पहुंच चुकी है। बीते साल ढली सब्जी मंडी में 1,74,710 क्विंटल मटर की फसल पहुंची थी। इस वर्ष अप्रैल से 29 मई तक 2 माह में ही 80,534 क्विंटल मटर की फसल पहुंच चुकी है। मटर के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। ढली सब्जी मंडी में रविवार को मटर 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका। बीते साल मटर को अधिकतम 110 रुपए प्रति किलो तक दाम मिले थे। अगस्त सितंबर में आने वाली मटर को 150 रुपए प्रति किलो तक दाम मिले थे। ढली मंडी में करसोग, रोड़ू, ठियोग, रामपुर, टूटू, मशोबरा सहित अनेक क्षेत्रों से मटर की फसल पहुंचती है। मटर बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली भेजा जा रहा है। लोरकिनौर से मटर की नई फसल पहुंचना भी शुरू हो गई है। नादौन में ब्यास पुल के पास बड़ा हादसा, पैरापिट से टकराने पर कार में लगी भीषण आग। नादौन ब्यास ब्रिज की दूसरी और मजीन चौक के नजदीक उस समय एक बड़ा हादसा हो गया। देर रात करीब 1 बजे एक I-20 कार ज्वाला जी की ओर से आ रही थी और ब्यास पुल के नजदीक सड़क के किनारे बने एक पैरापेट से टकराने के बाद उसे गाड़ी में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार की सवार तीनों व्यक्ति आग लगते ही कार के शीशे तोड़कर बाहर निकल गए और देखते ही देखते आग कार की लपटों में समा गई। घटना स्थल के समीप बने एक होटल के कर्मचारी आवाज सुनकर बाहर आ गए। जब तक कार में सवार लोग तीनों ही लोग बाहर निकल चुके थे और कार को आग लग चुकी थी। होटल के कर्मचारियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन पर सूचित किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, परंतु जब तक कार जलकर राख हो चुकी थी, क्रेन की मदद से कार को सड़क के एक किनारे पर धकेला गया ताकि रोड अवरुद्ध न हो। गाड़ी में सवार तीनों ही लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका उपचार नादौन अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों के बयान कमलबद्ध किए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हिमाचल की 1000 योजनाओं में पानी न्यूनतम स्तर पर, सरकार गंभीर, विभाग को अलर्ट पर रहने को कहा। बारिश न होने और प्रचंड गर्मी की वजह से हिमाचल प्रदेश में जल संकट गहरा गया है। सुबह की करीब 1000 पेयजल योजनाओं में पानी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। शिमला और सोलन जिले में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। बिलासपुर जिला में भी दिन ब दिन हालात गंभीर होते जा रहे हैं। उधर जल संकट पर सरकार भी गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री ने विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी जा रही है। जल शक्ति विभाग भी वैकल्पिक इंतजामों में जुट गया है। लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिमाचल में 2 सीटों पर कांग्रेस के टिकट का ऐलान, देहरा का टिकट होल्ड। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश की 2 विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में निम्नलिखित राज्यों से लड़ने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के उम्मीदवारों की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्टी ने हमीरपुर के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और नालागढ़ से बाबा हरदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि देहरा सीट पर टिकट को अभी होल्ड रखा गया है। चंबा नियंत्रण खो देने से सड़क से नीचे लुढ़की कार, पंजाब के पर्यटक की मौत। डलहौजी खजियार मार्ग पर सेनाला के पास का दुर्घटना में एक पर्यटक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान रमन कुमार निवासी गुरदासपुर पंजाब के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक पंजाब पुलिस में तैनात था और अपने परिवार के साथ पंजाब से डलहौजी खजियार घूमने के लिए आ रहा था। रविवार दोपहर बाद जब डलहौजी से खजियार की तरफ आ रहा था तो इस दौरान जैसे ही वो सेनाला के पास पहुंचा तो गाड़ी जाम में फंस गई। इस दौरान परिवार के सदस्य करीब 1.5 किलोमीटर पैदल ही खजियार मैदान पहुंच गए ताकि जाम में उन्हें परेशानी न हो, लेकिन जाम के कारण गाड़ी पर नियंत्रण खो देने के कारण गाड़ी सड़क से नीचे लुढ़क गई। इस दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। गाड़ी के गिरने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी खजियार चौकी पुलिस को दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य सभी गाड़ी से उतरकर पैदल ही खजियार की तरफ निकल चुके थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
डीएसपी प्रोबेशनर मयंक शर्मा ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लापता अमेरिकी नागरिक का शव लाहौल स्पीति में मिला। एचटीबीपी एसटीआरएफ टीम ने ढूंढ निकाला, गृह मंत्री ने सराहा। 3 दिन से लापता अमेरिकी नागरिक का शव रविवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में की और ताशी गंग के बीच एक खड्ड से बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि चेवर बॉक्स टहलर गुरुवार को स्पीति घाटी की अपनी यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। इसके बाद एक खोज दल का गठन किया गया। टीम ने काजक के विभिन्न इलाकों में तलाशी की और ताशी गंग के पास एक सुनसान इलाके के पास चेवर द्वारा किराए पर ली गई मोटरसाइकिल बरामद की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन बाद सेना के डोगरा रेजिमेंट की सहायता से एक ड्रोन ने शुक्रवार को की और ताशीगंज के बीच एक गहरी खाई में फंसे एक पैराशूट की पहचान की। लाहौल स्पीति के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने कहा कि पुलिस को संदेह है कि पैराशूट ट्रेवर का था जो बेस जंपर था। इसके बाद ऐसे बचाव कार्यों और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रशिक्षित भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को तैनात किया गया और ट्रेवर के शव को तलाश कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टि से ये दुर्घटना प्रतीत होती है। शिमला में गहराए जल संकट, कहीं 5 तो कहीं 4 दिन बाद हो रही पानी की सप्लाई, लोगों में गुस्सा। गर्मियां बढ़ते ही शिमला शहर को पानी की सप्लाई करने वाली परियोजनाओं में पानी सूखने लगा है। इसके कारण शहर में भयानक जल संकट पैदा हो गया है। शहर में कहीं 4 दिन बाद तो कहीं 5 दिन बाद पानी की सप्लाई आ रही है। शिमला के मिडल बाजार में भी कई दुकानों में 4 दिनों से पानी नहीं आया है। मॉल रोड पर भी पानी की समस्या है। इसके अलावा शहर के उपनगरों में 5 दिनों से ज्यादा लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जल प्रबंधन निगम का दावा है कि शहर में 2 दिन बाद पानी की सप्लाई आएगी। शहर के लोअर पंथा घाटी, घोड़ा चौकी, चक्का, सिंजौली और ढली के कई क्षेत्रों में 4 से 5 दिन बाद पानी की सप्लाई आ रही है। पानी की किल्लत के चलते शहर के लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। पिछले दिनों से पड़ रही भयंकर गर्मी के कारण जल परियोजनाओं में पानी काफी ज्यादा कम हो गया है। नहीं थम रही जंगल की धधकती आग, 2009 के बाद इस साल सबसे ज्यादा जले हिमाचल के वन। हिमाचल में बढ़ती गर्मी के बीच वनों में आग की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। इस वर्ष अभी तक प्रदेश में आग की 1992 घटनाएं सामने आई है। इसमें सबसे ज्यादा प्रदेश में 20,564 हेक्टेयर वन क्षेत्र में क्षति हुई है। 2009 से लेकर अभी तक सबसे अधिक घटनाएं इस वर्ष सामने आई है। 2009-10 में आग लगने की 1906 घटनाएं सामने आई थी। पिछले 5 दिन के दौरान 117 स्थानों पर वनों में आग लगी। वनों में आग की घटनाओं से करोड़ रुपए की वन संपदा का नुकसान होने के साथ ही असंख्य जीव जंतु भी इसके चपेट में आ गए हैं। इसका पर्यावरण पर भी असर पड़ा है। जंगलों में आग की अधिक घटनाएं मानवीय चूक के कारण हुई है। जंगलों में घास के लिए झाड़ियां जलाने के दौरान इस तरह की घटनाएं बढ़ी है।